Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, welcome you to the session on BPSC mains. Students, you can score up to 400 marks in GS paper in BPSC mains. यदि हम लोग सही ढंग से तैयारी करें तो GS paper में हम लोग 400 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं. इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे पेपर टू का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन, जिसको कि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी हिंदी में कहते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी. तो आज हमारा चर्चा का विषय है स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी. इस टॉपिक को हम छोटे छोटे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे करीब 9 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं. और आप यदि इन 9 टॉपिक पर आप नोट्स बनाते हैं, तैयारी करते हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है. हालांकि बच्चे परहेज करते हैं, डरते हैं जीएस पेपर 2 से, लेकिन चलिए एक साथ मिलकर हम लोग इसी पेपर को आसान बनाते हैं. स्पेस टेक्नोलॉजी से जो संभावित इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन है, एरिया है, वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. पहला है इंडिया एज अ स्पेस पावर, मतलब भारत में अंतरिक्ष का अभियान शुरू से आजादी के बाद से और आज 2023 तक भारत इस यात्रा में कैसे एक शक्ति के रूप में, हाउ इट हैज इमर्ज्ड एज अ स्पेस पावर, ये एक टॉपिक आपको लिए इंपॉर्टेंट है. इसी से मिलता जुलता दूसरा टॉपिक है भारत की अंतरिक्ष यात्रा, इंडिया स्पेस ओडिसे. यदि इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इस पे आपका सही नोट्स होगा, सही डायग्राम होगा, तो 100% मार्क्स लाने से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा. तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्पेस टेक्नोलॉजी पे सेक्शन निकल के आता है वो है विजन ऑफ स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स, मींस अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या क्या सुधार है, क्या क्या सुधार होने की संभावना है और कहां कहां पे हम लोगों को काम करना चाहिए. चौथा टॉपिक है आपका विक्रम एस, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्राइवेट स्पेस लॉन्च. ये भी एक टॉपिक है जिसको कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं. और स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक नया उभरता हुआ इनोवेटिव नवाचार सेक्शन है वो है राइज ऑफ इंडियाज ड्रोन इंडस्ट्री, भारत के ड्रोन उद्योग का उदय. ड्रोन से ही रिलेटेड टॉपिक है ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या क्या नवाचार आ सकता है, ये भी. फिर आज जो है स्पेस सेक्टर विश्व का वर्ल्ड लेवल पे क्या है, इंडिया का क्या स्टैंड है, इस पे भी एक नया अलग सा नोट्स आप तैयार कर सकते हैं. स्पेस इन रिसर्जेंट इंडिया, आज नए भारत, यूथ और स्पेस क्या क्या रोल है उसको देख सकते हैं हम लोग. फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ये सारा जो है करीब 9 टॉपिक है जो पेपर 2 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाग के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे आधारित है. ये सारा इस पे आप यदि नोट्स बना लेते हैं, तैयारी करते हैं, सेशंस को अच्छी तरह से सुनते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका इस तरह का आंसर तैयार हो जाएगा बदलते हुए बीपीएससी के स्वरूप में, कि कोई भी आपको 100% 38 में से 35-36 लाने से कोई नहीं रोक सकता. जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस किए हैं ये सारा टेक्निकल है, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज है, कुछ टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करना है, डायग्राम का भी इस्तेमाल करना है, और तभी
हम लोग ये टॉपिक पूरे को समझ पाएंगे जब तक हम लोग बेसिक सैटेलाइट ना समझे कि सैटेलाइट होता क्या है, उपग्रह होता क्या है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग सैटेलाइट उपग्रह पे ही कंसंट्रेट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सैटेलाइट होता क्या है। हिंदी में सैटेलाइट को हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो व्हाट इज सैटेलाइट, उपग्रह क्या है? इसमें एक शब्द है जिसको हम लोग हिंदी में खगोलीय पिंड कहते हैं, हिंदी में खगोलीय पिंड कहते हैं और अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जो भी आप आकाश में, जो भी आप स्पेस में टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं, वो आपका खगोलीय पिंड है, वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। अब आप इस खगोलीय पिंड को देखेंगे, जो भी आप खगोलीय पिंड को देखेंगे, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, तो किसी न किसी बड़े वस्तु का, बड़े ऑब्जेक्ट्स का वो चक्कर लगाता है। तो यदि प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे में, जैसे ये आपका पृथ्वी है, ये आपका अर्थ है, और पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। वी कैन से दैट मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्योंकि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, शब्द है परिक्रमा। तो ये नेचुरल है, ये नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हम लोग ऐसे पिंड का अध्ययन करते हैं। लेकिन मानव जाति कुछ पिंड को, मानव निर्मित पिंड को, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे जगह पे, ऐसे पोजीशन पे छोड़ देता है जिससे कि वो वस्तु पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आप इस स्लाइड्स को देखिए, ये मैन मेड है, ये आर्टिफिशियल है, ये मानव निर्मित है, ये कृत्रिम है, और ये चारों तरफ पृथ्वी की चक्कर लगाती है। तो ये भी उपग्रह हुआ। चंद्रमा और इस उपग्रह में क्या अंतर है कि एक है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड, एक है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा है आपका कृत्रिम उपग्रह। सो सैटेलाइट्स आर एनी ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड एनी बॉडी। उपग्रह कोई भी पिंड है जो किसी बड़े वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और उपग्रह को, सैटेलाइट्स को उसके ओरिजिन के आधार पे हम लोग नेचुरल या मैनमेड कहेंगे, कृत्रिम या प्राकृतिक कहेंगे। अब इसी के आधार पर और बहुत सारे और कारक के आधार पे हम लोग उपग्रह को, हमारा जो चर्चा है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में, वो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमारा चर्चा का विषय है मानव निर्मित उपग्रह, और इसी चर्चा में हम लोग बहुत सारा आधार लेंगे जिसके आधार पे हम लोग जो है उपग्रह को विभिन्न विभिन्न प्रकार में बांटेंगे। और पहला तरीका है उपग्रह को बांटने का, वो है कि पृथ्वी की कौन सी कक्षा में वो उपग्रह स्थित है। वेयर इन द अर्थ ऑर्बिट दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट इज स्टेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट वी डिवाइड द सैटेलाइट इंटू थ्री पार्ट्स। हम लोग तीन भाग में उपग्रह
पृथ्वी की कौन सी कक्षा में स्थित है, उसके आधार पे भी हम लोग पहला जो वर्गीकरण करेंगे वो पृथ्वी की कक्षा के आधार पे करेंगे। अब आप देखिए कि ये कक्षा होता क्या है, व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट कहिए, अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग कक्षा कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग कक्षा कहते हैं। ये है क्या? ये मार्ग है, ये रूट है जो कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, कोई भी खगोलीय पिंड लेता है। तो पृथ्वी का भी एक मार्ग है जिस मार्ग पे वो चलते चलते सूर्य की परिक्रमा करता है 365 दिन में, जो आपका वर्ष बनाता है। सो अर्थ ऑल्सो हैज अ नेचुरल रूट एंड ऑन दिस रूट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। परिक्रमा, पृथ्वी जो है परिक्रमा करता है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसको हम लोग कहते हैं आपका, इसको, इस रास्ते को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कक्षा कहते हैं। अब आप देखेंगे कि पृथ्वी से दूरी के आधार पर, ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, वी डिवाइड अर्थ ऑर्बिट इंटू थ्री पार्ट्स। पृथ्वी के कक्षा को आप तीन भाग में बांटते हैं। जो नजदीक है इसको हम लोग कहते हैं निम्न या लो अर्थ ऑर्बिट, इसके बाद होता है, इससे ऊपर आप गए तो वो होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और सबसे ऊपर होता है लो हाई अर्थ ऑर्बिट। तो उपग्रह सैटेलाइट निम्न में है या मध्यम कक्षा में है या उच्च पृथ्वी की कक्षा पे स्थित है, उसके आधार पे हम लोग उपग्रह को, पहला जो हम लोग का वर्गीकरण है वो पृथ्वी की कक्षा के आधार पे हम लोग तीन भाग में बांटते। तो चलिए इस आधार पे हम लोग उपग्रह को, सैटेलाइट को हम लोग वर्गीकरण करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। पहला जो आधार होता है कक्षा के आधार पे, उसको हम लोग निम्न, उसको हम लोग निम्न, उसको हम लोग निम्न पृथ्वी की कक्षा, इंग्लिश में लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी और हिंदी में एलईओ होता है। अब ये होता क्या, कौन से उपग्रह को हम लोग कहते हैं कि वो निम्न पृथ्वी की कक्षा पर स्थित है, कौन से सैटेलाइट को हम लोग कहते हैं कि वो लो अर्थ ऑर्बिट पर सिचुएटेड है। तो ऐसे स्थिति को समझने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक पृथ्वी के, यदि हम लोग ऊंचाई बात करें, इसकी एल्टीट्यूड की बात करें, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक यदि कोई आपका सैटेलाइट वहां पे फिक्स्ड है, वहां पे स्टेशन्ड है, तो इसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं, निम्न पृथ्वी की कक्षा वाला उपग्रह कहते हैं। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ये करीब 128 मिनट में पृथ्वी की एक चक्कर लगा देता है, या कहिए इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक दिन में ये करीब 11.25 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट मींस इट टेक्स ओनली 128 मिनट्स फॉर सच सैटेलाइट
टू सर्कल द अर्थ, बहुत फास्ट आपको दिखाई देगा। एक निश्चित पॉइंट पे आपको कभी निम्न पृथ्वी की कक्षा वाला उपग्रह नहीं दिखाई देगा, और इसकी ऊंचाई 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक होती है। ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी से यदि 160 किलोमीटर से लेके ये 2000 किलोमीटर तक आप हैं, तो ऐसे सैटेलाइट को, यहां पे स्थित सैटेलाइट को हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। उसी तरह इस कक्षा के ऊपर आप देखेंगे कि एक और कक्षा है, एक और ऑर्बिट है, इसको हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और अंग्रेजी हिंदी में इसको मध्यम पृथ्वी की कक्षा वाला उपग्रह के नाम से जानते हैं। इसका ऊंचाई क्या होता है? यदि कोई उपग्रह 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर तक, 35,786 किलोमीटर तक यदि वो स्थित है, तो इसको हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट या मध्यम पृथ्वी की कक्षा वाला उपग्रह कहते हैं। ये यहां पे जो स्थित होती है उपग्रह, वो संचार के लिए, आप देखते हैं आपका मोबाइल फोन, टीवी, ये जो चलता है वो उन उपग्रह से चलता है, उन सैटेलाइट से चलता है जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे स्टेशन होते हैं। आप जीपीएस का नाम सुने होंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ये भी सबसे बड़ा उदाहरण है मीडियम अर्थ ऑर्बिट का, मध्यम पृथ्वी की कक्षा वाली उपग्रह का। आगे बढ़ते हैं। ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, ये 2 से 24 घंटा लगाती है पृथ्वी की कक्षा को, मीन्स इट टेक्स फ्रॉम 2 to 24 आवर्स टू सर्कल द अर्थ। निम्न पृथ्वी की कक्षा वाली उपग्रह 128 मिनट लेती है, तो ये 2 घंटे से लेके 24 घंटे तक समय लगा। और जो लास्ट वर्गीकरण है, उसको हम लोग उच्च पृथ्वी की कक्षा या हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ये जब भी कोई सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर से ऊपर स्थित है, उसको हम लोग हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, उच्च पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। यहां पे जो उपग्रह स्थित होती है, उसको हम लोग एक और शब्द से डिनोट करते हैं, वो है जियो सेंट्रिक ऑर्बिट। जियो सेंट्रिक ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि यहां पे स्थित उपग्रह जो है, सैटेलाइट है, वो 24 घंटा लगाती है पृथ्वी का चक्कर लगाने में, इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स, एंड दैट टू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द सेम वे एज अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आप देखेंगे कि हमेशा, चूंकि पृथ्वी की गति और इस तरह की उपग्रह की गति एक होती है, तो जब भी आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको आसमान में ये एक स्थिर बिंदु की तरह, एक स्टेबल पॉइंट की तरह दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग जो है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट के आधार पर हम लोग उपग्रह को विभाजित करते हैं, बांटते हैं। तो एक तरह का वर्गीकरण है पृथ्वी की कक्षा के आधार पे, अर्थ के ऑर्बिट के आधार पे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे तरीके का वर्गीकरण देखते हैं। दूसरा जो डिफरेंशिएशन है, दूसरा जो वर्गीकरण है, या दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है, वो हम लोग स्थिति के आधार पे करते हैं, उसके पोजीशन के आधार पे करते हैं। तो चलिए आगे चर्चा में देखते हैं कि स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे कौन कौन सा सैटेलाइट होता है।
एक सैटेलाइट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसमें याद रखिएगा कि इस तरह की जो उपग्रह होते हैं वो निम्न कक्षा में, वो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित होते हैं और पृथ्वी से इसकी दूरी ऊंचाई में वो करीब 1000 किलोमीटर होता है। अब इसको समझने के लिए चलिए हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। ये है पृथ्वी और ये है आपका भूमध्य रेखा, हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, है ना, ये आपका ध्रुवीय या ध्रुव है, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव जिसको कि हम लोग साउथ पोल कहते हैं, इसको इंग्लिश में नॉर्थ पोल कहते हैं। जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं, इन उपग्रहों का मूवमेंट कैसा होता है? तो इसका मूवमेंट होता है ये पृथ्वी के ध्रुव के आधार पर, ध्रुव के आधार पर ये चक्कर लगाती है। ये ऐसे नहीं आधार, ऐसे चक्कर नहीं लगाती है, ये गलत है। ये चक्कर लगाती है, ये जो चक्कर लगाती है ये चक्कर लगाती है ध्रुव से, ये ध्रुव के उत्तर से दक्षिण चक्कर लगाती है। इसका मूवमेंट हमेशा आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ होता है। इसलिए इनको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको इंग्लिश में पोलर सैटेलाइट कहते हैं और हिंदी में इसको ध्रुवीय ध्रुवीय उपग्रह का भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला जो डिफरेंसिएशन है, पहला जो डिफरेंसिएशन है वो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है जो निम्न भूकक्षा पे स्थित होती है, लो अर्थ ऑर्बिट पे जिनका पोजीशन होता है अर्थ से 1000 किलोमीटर तक होता है, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण ये मूवमेंट करते हैं, ये उत्तर से दक्षिण मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इनको ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट या पोलर सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये सूर्य से सिंक्रोनाइजेशन होता है इसलिए इसको हम लोग हीलियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको हम लोग हीनियो हीलियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं अगला जो सैटेलाइट है, स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे उसको हम लोग भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये भू स्थिर उपग्रह मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि यदि हम लोग धरती से, पृथ्वी से, अर्थ से देखेंगे तो एक ही जगह स्टेशनरी लगता है। और स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोगों को कब प्रतीत होता है? जब उसका गति स्पीड 24 घंटा होता है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह वो उपग्रह हैं जो हाई अर्थ ऑर्बिट पे स्थित होंगे। और दूसरा, ये जो है पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये आपका ये उपग्रह जो है ये आधारित होता है इक्वेटर से। पोलर सैटेलाइट को हम लोग देखें ये ध्रुवीय इलाका से नॉर्थ टू साउथ चलता है, लेकिन ये आपका इक्वेटर पे फोकस करता है और पृथ्वी के चारों ओर ये 24 घंटे में अपना दूरी को तय करता है। और पृथ्वी से, अर्थ से इसकी जो दूरी है वो 36,000 किलोमीटर है। चूंकि हाई अर्थ ऑर्बिट में इसका स्पीड, इसकी गति भी करीब 24 घंटे में एक बार वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो आप अपने जगह से जब भी इस तरह के उपग्रह को देखेंगे लगेगा वो स्थिर है, स्टेशनरी है। इसलिए इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं या भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। भू स्थिर उपग्रह और सूर्य तालिक उपग्रह में अंतर यही है कि
कि वो पोलर जो है ध्रुवीय उसका मूवमेंट है, नॉर्थ टू साइड 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ वो मूवमेंट करती है। लेकिन इस तरह का उपग्रह जो है वो 36,000 किलोमीटर ऊपर इक्वेटर पे फोकस रखकर पूरे पृथ्वी की ओर चक्कर लगाता है। और इसी के साथ एक और तीसरा भी आपका उपग्रह है जिसको हम लोग भू समकालिक उपग्रह कहते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। इसमें अंतर वो जो है आपका भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर पे 90 डिग्री पे यदि फोकस होता है तो इसमें अंतर यही होता है कि थोड़ा सा इसका एंगल जो है टिल्टेड होता है। अगला जो अब हम लोग उपग्रह बात करेंगे वो उपग्रह का डिफरेंशिएशन हम लोग उसके यूसेज पे, यानी किस तरह से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा जो आधार यदि हम लोग उपग्रह को डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उसके यूज पे, उसके इस्तेमाल पे, तो सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे पहला उपग्रह जो हमारे जहन में आता है वो है संचार उपग्रह, वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मींस आज आप मोबाइल फोन पे जो भी बात कर रहे हैं, जो भी आज आपके टीवी में जो भी आप देखते हैं, मैच डायरेक्ट रिले देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, ये संभव इसीलिए है क्योंकि हमारे पास संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, इस उपग्रह में वो महत्वपूर्ण कौन सा बिंदु है, कौन सा डिवाइस है, कौन सा इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट को हम लोग ट्रांस पोंडर के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग ट्रांस पोंडर के नाम से जानते हैं। ये ट्रांसपोंडर है क्या कि कोई भी यदि सिग्नल पृथ्वी से मिलता है उसको वो प्रमोट करता है, प्रसारित करता है, उसको वो प्रवर्धित करता है, 100 गुना बढ़ा देता है, एम्पलीफाई करता है। और इसीलिए आप यदि न्यू जर्सी में क्रिकेट मैच हो रहा है तो आप न्यू दिल्ली में भी उसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप का मैच लाइव टेलीकास्ट यहां से हो रहा है कोलकाता में, और यहां से सिग्नल जो भी मैच का जा रहा है उसको आपके अंतरिक्ष में बैठा ये सैटेलाइट ट्रांसपोंडर के माध्यम से उस लिंक को पकड़ता है, और लिंक से पकड़ने के बाद इसको एम्पलीफाई कर देता है, 100 गुना ज्यादा बढ़ा देता है और उसको पूरे दुनिया में प्रसारित कर देता है। ये सिंपल तरीके से इस सैटेलाइट, संचार सैटेलाइट या आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट को समझ सकते हैं। ये आपका टीवी चैनल लाइव टेलीकास्ट मैच का, या जो भी लाइव टेलीकास्ट आपका यूट्यूब पे भी लाइव होता है, तो सबका कारण यही संचार सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये कहां फिक्स होता है? ये आपका भू स्थिर कक्षा में रहता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि एक बार वहां पर वो स्थापित हो जाए तो उस जगह को वो लक्षित कर लेगा जहां पे वो स्थापित है, और वहीं से वो सारा जगह आपको डाटा भेजते चलेगा। थोड़ा सा और टेक्निकलिटी में चलते हैं कि जो संचार उपग्रह होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, वो वेव के माध्यम से काम करता है। तो दो तरीके का वेव होता है, एक होता है ग्राउंड वेव और दूसरा होता है स्काई वेव।
ग्राउंड वेव में जो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, सिग्नल की जरूरत होती है, 30 चाहिए होता है। और ये ट्रोपोस्फियर, पृथ्वी से जो वायुमंडल का स्तर है, ये ट्रोपोस्फियर पे तक ये काम करती है, ग्राउंड वेव्स। ग्राउंड वेव्स का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं, इसको एक और नाम है नॉर्टन वेव्स। ग्राउंड वेव होता क्या है? ये हमेशा पृथ्वी के कर्व से ये चलती है। जैसे ये देखिए, संचार उपग्रह में दो तरीके का वेव होता है, ग्राउंड वेव और स्काई वेव। ये पृथ्वी के कर्वेचर से ये चलती है ना, कोई भी सिग्नल इससे टकराया फिर वो वापस आया, इसी को ये कवर करती है। ये सबसे बड़ी खासियत ग्राउंड वेव की होती है कि कोई भी सिग्नल आया पृथ्वी के सतह पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के सतह पे क्या करती है, पृथ्वी आपका इस तरह से है तो सतह पे जो भी सिग्नल आता है इस कर्वेचर को, इस वेव को ये फॉलो करती है। और ऐसे स्थिति में जो भी लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव होते हैं, कहिए 3 मीटर हर्ट्ज से कम वाले वेव, इसको ये कैच कर लेती है और बहुत अच्छी तरह से इसको संचारित करती है। पहाड़ से, पेड़ से, भूमि से, जो भी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होता है, ये ग्राउंड वेव, ये सिग्नल जो है प्रसारित करती है। इसी के साथ दूसरा जो वेव, ग्राउंड वेव हमेशा आपके ट्रोपोस्फियर तक रहता है, लेकिन दूसरा वेव जो है, जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह इस्तेमाल करती है, उसको हम लोग कहते हैं स्काई वेव। ये आयोनोस्फियर के माध्यम से इस सिग्नल को कैच करती है। तो दो तरीके का वेव से इस्तेमाल करके, ट्रांसपोंडर के माध्यम से आपको आपका सिग्नल ये सैटेलाइट लेती है, फिर वो विश्व में प्रसारित एम्पलीफाई करके सारा ये आपको कर देती है। अगले तरीके का जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, उसको हम लोग वैज्ञानिक उपग्रह कहते हैं, साइंटिफिक सैटेलाइट कहते हैं। इस तरह का सैटेलाइट वैज्ञानिक उपग्रह क्या करता है? ये उपग्रह जो है साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शोध के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस का रेडिएशन विकिरण, पृथ्वी का वायुमंडल, स्टडी ऑफ अर्थ एटमोस्फियर, क्या पोल्यूशन है, क्या प्रदूषण है, सन या कोई और खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कि आपका पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट का, तो ये सब में ये इस्तेमाल होती है। मौसमी उपग्रह जो है, मौसमी उपग्रह आप देख रहे हैं स्लाइड से कि इस तरह का उपग्रह जो है मौसम के बारे में जानकारी देती है। और ये इस तरह का उपग्रह किस तरह का होता है, जो हम लोग पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय परिक्रमा की बात किए थे, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से ये उपग्रह इसको पड़ती है। और इसको आप भूस्थैतिक भी कह सकते हैं, जियोस्टेशनरी भी कह सकते हैं कि एक जगह स्थित होके वो पेड़ पहाड़ मौसम संबंधी जो भी जानकारी ये आपको रिले करती है। जो अगला उपग्रह होता है उसको हम लोग दूर संवेदी उपग्रह कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या दूर संवेदी उपग्रह। पहले इसका इस्तेमाल समझ लीजिए। इसका इस्तेमाल आप सुने होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन से सैन्य गतिविधि में इसका इस्तेमाल होता है, खुफिया इंटेलिजेंस में इसका इस्तेमाल होता है, लैंड सर्वे में, भूमि सर्वेक्षण में इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे मानवीय प्रयोग होते हैं जिसमें ये इस्तेमाल होता है। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या दूर संवेदी उपग्रह कैसे काम करती है, उसको जरा समझने का कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं आपके स्लाइड्स पे
हर एक तरीके का ये आपको वस्तु मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये घास है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ कोई वस्तु रखा होगा, मोबाइल फोन रखा होगा, कुछ भी हो सकता है, इस तरह का कोई बिल्डिंग होगा, सब कुछ होगा। तो जिस तरह से हमारा फिंगर प्रिंट जो है यूनिक होता है ना, हर एक लोगों का एक यूनिक फिंगर प्रिंट होता है, उसी तरह एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रा फिंगर प्रिंट कहते हैं। स्पेक्ट्रा फिंगर प्रिंट, हर एक वस्तु जो सिग्नल देती है, और हर एक वस्तु का जो सिग्नल होता है यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, किसी दूसरे से नहीं मिलता। और जो एक्सपर्ट होते हैं वो सिग्नल जो मिलता है वो बता सकते हैं कि यहाँ पे घाटी है या पेड़ है या बंदूक है या आदमी है या जानवर है, जो भी। तो स्पेक्ट्रा फिंगर प्रिंट जो है एक किसी भी वस्तु से वो प्रतिबिंब होता है। किसी भी तरीके का यदि एनर्जी ऊर्जा आपके ऊपर भी पड़े तो आप एक एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी करेंगे, प्रतिबिंब भी करेंगे। आपके ऊपर किसी तरह का एनर्जी यदि गिरता है तो इस एनर्जी को आप प्रतिबिंब कर देंगे, उस ऊर्जा को आप रिफ्लेक्ट कर देंगे। और जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी दूर संवेदी उपग्रह जो है, दूर संवेदी उपग्रह, इसका जो सेंसर होता है, इसका इसमें एक सेंसर होता है, इस सेंसर को वो पकड़ लेता है। और सेंसर पकड़ के मालूम चल जाएगा कि वहां पे आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, यहाँ आर्म्स रखा हुआ है, यहाँ AK-56 रखा हुआ है, या माइंस है, पेड़ है, घाटी है, सब कुछ ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दूर संवेदी उपग्रह से हम लोग को मालूम चल जाता है। तो मुख्य जो है इसमें पॉइंट है, यूनिक स्पेक्ट्रा फिंगरप्रिंट होता है, एक यूनिक स्पेक्ट्रा फिंगर पॉइंट होता है जो कि ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करती है और ऊर्जा को पकड़ती है इस तरह के उपग्रह के सेंसर। सेंसर दो तरीके का होता है, एक होता है निष्क्रिय सेंसर जिसको अंग्रेजी में हम लोग पैसिव सेंसर कहते हैं, और दूसरा होता है आपका सक्रिय सेंसर जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्टिव सेंसर कहते हैं। जब कोई भी सैटेलाइट का सेंसर सूर्य के प्राकृतिक एनर्जी को, नेचुरल एनर्जी को इस्तेमाल करता है उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए, तो उसको हम लोग निष्क्रिय या पैसिव सेंसर कहते हैं। लेकिन किसी भी उपग्रह का जब आपके पास अपना एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन को पकड़ने के लिए, तो उसको हम लोग एक्टिव सेंसर कहते हैं। तो बच्चों, ये है आपका बेसिक्स है सैटेलाइट पे, ये आपको पीटी के स्तर पे आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो इस सेशन से आपको बेसिक जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, उसको जानकारी मिल गया। फिर हम लोग अपने चलते हैं पुराने स्टार्टिंग पॉइंट पे कि स्पेस टेक्नोलॉजी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उभरता हुआ एक विषय है जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और यूपीएससी बीपीएससी में अब कोई खास हम लोगों परिवर्तित चेंज्ड फॉर्मेट ऑफ बीपीएससी में अंतर हम लोग को मालूम नहीं चलता, तो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भी कई स्टेट पीसीएस के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो यदि सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इसी के आधार पे आप सारा ये जो टॉपिक आपके स्लाइड्स में दिख रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी पे, 9 टॉपिक है, इसमें 9 बना देंगे, 9 टॉपिक पे आपका पूरा अच्छा से आंसर राइटिंग हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में फिर से आई एम रीइटरेटिंग द पॉइंट दैट यू कैन ऑलवेज स्कोर अराउंड 400 इन जीएस। आपके सहूलियत के लिए, एक मार्गदर्शन के लिए हम लोग जो है एक तरीका बता देंगे किस तरह से। मान लीजिए एक ये टॉपिक हम लोग ले लिए, इंडिया एज अ स्पेस पावर,
भारत एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में। तो जो हम लोग पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा रिसर्च करके एक मेंस के आधार पर, मेंस के स्टैंडर्ड के आधार पे हम लोग रिसर्च करके एक आंसर राइटिंग सेशन आपको बता देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए और आशा है कि मेंस में आपको इतना नंबर मिल जाए कि इंटरव्यू के लिए आपको कॉल हो जाए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द